वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं उसमें हम आपको लेकर जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर, लेकिन वो कौन सी जगह होगी वो बताएंगे। मॉल टाइटल है कैप्सूल होटल इन ऊटी, बेस्ट होटल इन ऊटी फॉर हनीमून, बजट होटल्स इन ऊटी, होटल्स व्लॉग। तो चलिए देख लेते हैं, जिनकी शादियां होने वाली है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देख लेते हैं ये वीडियो के आप लोगों को अगर यू नो एक ऑप्शन होगा कि चूज करने में कि हम लोग यहां पर जा सकते हैं शादी के बाद, तो देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लग में व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या बोलती पब्लिक, लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं ऊटी टॉय ट्रेन लेकर आया ऊटी। और एज अ ट्रैवल व्लॉगर मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके सामने कुछ ना कुछ अलग कंटेंट आता रहे। तो अगर आप अलग होटल्स, अलग प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, अलग एक्सपीरियंस करना पसंद करते हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी इन ऊटी, एंड दिस इज एवेंचुरा। यहाँ पर आपको मिलते हैं हॉबिट होल्स, एक टोटल अलग एक्सपीरियंस। तो हमने वन नाइट यहाँ पर स्पेंड किया और इसका व्लॉग आपके सामने बनता है। इन केस अगर आप ऊटी प्लान कर रहे हो, हनीमून के लिए प्लान कर रहे हो, फैमिलीज के लिए, या अगर आप फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। ऐसे नहीं, इतना ऊटी का वेदर देखिए, लाजवाब वेदर, हल्की हल्की यहाँ बारिश भी हो रही है। तो थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। आप ये देखिए हॉबिट होल्स, इनको कहा जाता है हॉबिट होल्स, अलग अलग कैटेगरीज है, बट आप ये देखिए कितना सही लगता है ना। आज की डेट हो गई 28 जनवरी, सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:40। ऊटी का करंट टेम्परेचर कुछ 12 डिग्री सेल्सियस और हम हैं तमिलनाडु के नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में। और ऊटी लोकेटेड है कुछ आप कह लीजिए अराउंड 2500 मीटर्स अबव द सी लेवल। मेरे को तो इनका समझ नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ऐसे होल्स लगते हैं। पूरा एक्सपीरियंस आपको दिखाया जाएगा, इस व्लॉग को डिटेल में देखिए। कॉस्टिंग, इंटीरियर विंटीरियर और इस प्रॉपर्टी में करने के लिए क्या क्या है, एडवेंचर क्या क्या है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या है, आपको सब कुछ इन डिटेल्स दिखाया जाएगा। बस हेडफोन लगाई रखिए, डिवाइस को फुल स्क्रीन करके रखिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप ऊटी के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप ऊटी के लिए प्लान कर रहे हो इस एक्सपीरियंस को, बिकॉज मैंने यहाँ एक नाइट स्पेंड की, मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट इन डिटेल में आपको अब मैं आपको सब कुछ यहाँ से बताने जा रहा हूँ। और आपको प्रॉपर्टी अच्छे से दिखाने के लिए हमने अलग अलग कैटेगरी के रूम बुक किए। यस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा था। हाँ। मतलब एक आइकॉनिक लोकेशन पर, ऊटी जैसे लोकेशन पर एक यूनिक काइंड ऑफ स्टे करना, ये अपने आप में एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। तो जी, मैंने हॉबिट होल रूम बुक किया है। हाँ। जिस रूम कैटेगरी की व्लॉग की शुरुआत हुई है जिससे, बट कमिंग बैक टू ऊटी, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ऊटी रिमेन स्पेशल फॉर सो मेनी रीजंस। क्या आपको पता है कि स्नूकर ये जो गेम है ये ऊटी में डिस्कवर हुआ था ऑलमोस्ट सेंचुरीज अगो, यू नो, जब ऊटी को ऑक्टोमंड कहा जाता था। उस समय की ये बात है, ऑफकोर्स ब्रिटिश एरा की बात है, बट एट द सेम टाइम जिस लोकेशन पर हम हैं वो इतनी सुंदर है। वाई? बिकॉज लेट मी शो यू, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पूरा यूकलिप्टस ट्रीज से सराउंडेड है, पूरा घिरा हुआ। ये जो लंबी ट्रीज आप देख रहे हो ये यूकलिप्टस ट्रीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूकलिप्टस ट्रीज जो है वो इंडिया के इंडिजीनियस प्लांट्स नहीं है, तो इंडिया में ये ग्रो नहीं होते हैं। ये जो सारे ट्रीज आप देख रहे हो ये ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश राज में, ब्रिटिशर्स ने लाया था यहाँ पे, ये ग्रो किया था और आज इतने सालों बाद ये अनगिनत नंबर में आपको यहाँ मिलेंगे। बस ये ज़रूर है, आप यहाँ पर आइए अगर आपको फिटनेस पसंद है, आपको साइकिलिंग पसंद है और आपको सनराइजेस पसंद है। देखो आज तो क्या थोड़ी सी बारिश हो रही है तो सनराइज, मतलब सन हमको नहीं दिखा है, बट दिस इज द बेस्ट लोकेशन। यस, और सनराइज के साथ सनसेट भी, क्योंकि सनसेट जस्ट उस तरफ होता है, उस तरफ होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो सोनिया ने यूज़ किया है हॉबिट होल्स और आई एम स्टेइंग इन
दिस इज कॉल्ड टीपीज। आप ये भी देखिए, ये भी देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं हट टाइप। ये अलग ही भाई, अलग ही एक्सपीरियंस चल रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसका भी इंटीरियर आपको दिखाएंगे, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाया जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ना, पेशेंस रखा करो, जब अपन का व्लॉग आप देख रहे हो थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी हम जा रहे हैं कैफे साइड, कुछ कॉफ़ी वगैरह या कुछ कंज्यूम करेंगे पहले, फिर क्योंकि इसको क्या शूट करने में थोड़ी बहुत एनर्जी लगेगी, रूम टूर वगैरह आपको सब कुछ दिखाना। बड़ा भी देखो, अगर आप पीछे देखोगे उस तरफ उन्होंने जो लेवल वन आप कह सकते हो दैट इज हॉबिट होल्स, और इस तरफ आप देखोगे टीपीस, एक और कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है डाइनिंग एरिया, इस तरफ आप पीछे देखोगे दैट इज द मेन रिसेप्शन, वहाँ पर अगर आप चाहो अंदर बैठ के खा सकते हो या फिर आप चाहो यहाँ बाहर बैठ के भी आप खा सकते हो। और जिस तरह आप देख सकते हो दिस इज बॉर्न फायर, बिकॉज क्या है कल रात को गेस्ट उतरे नहीं थे तो हमारा वो बॉर्न फायर कल मिस हो गया था। यस, ये यहाँ पे सिर्फ प्योर वेज मिलता है। हमने कल पास्ता खाया, वी टेस्टेड द पनीर चिली, मैगी, कॉफी, हमने ये सब ट्राई किया, टेस्ट काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन है तो आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, वो यहाँ डिलीवर कर देंगे। सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन डिलीवरी आप कर सकते हो, वो भी है। इनकेस अगर आप अपना खुद का खाना कैरी कर रहे हो दैट इज ऑल्सो अलाउड। और अगर आप चाहो अंदर जो आपका हॉबिट होल्स है या जो टीपीज है या जो टेंट्स है, अगर आप भी आप खाना लेके जा सकते हो, लेकिन फूड डिलीवर वहाँ पे नहीं होगा। अगर आपको रेस्टोरेंट से खाना खाना है तो बेसिकली यहाँ पर ही आप देखिए इन्होंने कितना सिस्टम सही बना रखा है। एंड दिस इज जो आप ये टेबल्स देख रहे हो ना, दिस इज मेड अप फ्रॉम कैनेडियन पाइन वुड, कैनेडियन पाइन से बनाया। इनकी क्वालिटी देखिए सब कुछ यहाँ पर, आप जस्ट इमेजिन, आप फ्रेंड्स के साथ आइए 10-15 फ्रेंड्स के साथ, यहाँ बैठ के कुछ म्यूजिक सुनिए, कुछ जुगलबंदी टाइप रेट्रो सॉन्ग्स हो गए या कुछ, यहाँ पर तो क्या मजा आएगा। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? और जो पैकेज हमने लिया है उसमें ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे भैया ले आओ ब्रेकफास्ट, भूख लगी है। एक तो मेहनत इतनी करनी पड़ती है, और ठंड भी अच्छी खासी है यहाँ पे। और रेस्टोरेंट इस साइड है, हॉबिट होल थोड़ा ऊपर है, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए, यू विल हैव टू थोड़ा चल के जाना पड़ता है। ये देखो सारे लेवल्स है बेसिकली, जो लेवल वन पर पार्किंग लॉट है और जो एक्स्ट्रा रिक्रिएशनल एरियाज एक्टिविटीज है वो वहाँ पर है। लेवल टू पर आपको आउटडोर गेम खेलने का लेवल है, एंड देन ऊपर में तो कैटेगरीज वो हो गए, टीपीज हो गए, एंड प्लस हमारे वो हॉबिट होल्स हो गए। रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट आता है आपको। ऑन तो रेडी है, वो लोग रेडी हुए कि नहीं हुए, मैं जाके चेक करके आती हूं। यस प्लीज चेक कीजिए, हम तो भैया हमेशा रेडी है, हमको तो आप बोल दो बस, हम तो वी आर टोटली ऑन द गो। आज की ताजा खबर, तमिलनाडु में पोहा मिला है विद कोकोनट चटनी, मजा आ गया। ये दिया है, प्लस इन्होंने इडली दी है, सांभर हो गई, दोनों सांभर है कुछ और है, दोनों सांभर है, तो उसके साथ टी कॉफी वगैरह, लेमन टी वगैरह जो भी आप उसके साथ लेना चाहें, बट इन व्यूज के साथ और ओपन में बैठ के आप ब्रेकफास्ट कीजिए। क्या ठंडी हवा चल रही है फेस पे, ऐसा लगता है बट ऊटी का मजा ही वो है, बिकॉज ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जो अपने आप में बहुत ब्यूटिफुल भी है, एट द सेम टाइम इज होम टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऊटी लेक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मूवीज की शूटिंग यहाँ पर आए दिन होती रहती है। इस प्रॉपर्टी में आपको मिलती हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज, तो ये आपके सामने जो है ये है कैटेगरी नंबर 1 दैट इज टेंट। आप देख सकते हो इसमें, मैं पहले आपको इंटीरियर वगैरह दिखा दूं, ये देखिए इसमें 2 लोगों की कैपेसिटी है, यहाँ पर आपको ना चार्जिंग पॉइंट है, स्लीपिंग बैग्स आपको दिए गए हैं, और अगर आप देखोगे हेयर देर इज नो वॉशरूम, वगैरह मैं वो सब आपको बाद में दिखाऊंगा। और इसके लिए ये कैटेगरी नंबर 1 टेंट के लिए फॉर 2 पीपल आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 1,999 पर नाइट के लिए। आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर सकते हो, बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप ये देखोगे टेंट का, आई गेस यहाँ पे ओवरऑल आपको मिलते हैं कुछ 15-20 टेंट्स की यहाँ पर कैपेसिटी है, तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो आई एम श्योर आप प्रॉपर्टी को कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको बेस्ट रेट्स विद द डील्स एंड द डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात है 2 पीपल कैन कम टुगेदर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो या कपल में आ रहे हो, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर, या अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, बैक पैकर हो, अगर आप ये एक्सप्लोर करना चाहो तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आ चुके हैं लेवल 2 पे, आपको कैटेगरी नंबर 2 दिखाने, और आपके सामने देखिए ये है टीपी। इस प्रॉपर्टी में टोटल अगर आप देखोगे तो आपको मिलती हैं 10 टीपीज, और जो मैंने स्टे किया है वो किया है टीपी नंबर 7 में,
आप इसकी डिज़ाइन देखिए, और ये पूरी तरह अगर आप वुड जो देख रहे हो दैट इज़ हैज़ बीन डिज़ाइन फ्रॉम कैनेडियन पाइन। तो अब आपको अंदर लेके चलेंगे और आपको थोड़ा बहुत टूर भी दिखाएंगे, बट आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। कॉस्टिंग सबसे पहले बता दूँ 2499 पर नाइट फॉर टू पीपल। अगर आपके साथ 8 साल तक का बच्चा है दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और जो पैकेज हम आपको बता रहे हैं उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड है। अब आपको अंदर लेके चलेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। कल रात को मैं यहाँ पर था, आप ये रात के यहाँ पर नज़ारे देखिए, और बिकॉज ऊटी है यहाँ पर इतना ठंडा वेदर रहता है, रात को तो जो व्यू मिलते हैं और रात की जो यहाँ वाइब होती है ना भाई साहब, कहता रहा हूँ आपसे अलग ही एक्सपीरियंस है। आइए अब आपको थोड़ा इंटीरियर दिखाया जाए। ये है आपके सामने टीपी का इंटीरियर। यहाँ बेड, डबल बेड देख लीजिए, ये लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो। अगर वहाँ देखोगे तो आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट लगेज की स्पेस आप देख लीजिए यहाँ पर, बिकॉज मैंने इस टीपी में स्टे किया, तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगेज के लिए इतनी स्पेस दी गई है। अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर आपको अटैच्ड वॉशरूम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा जो तीनों कैटेगरीज हैं, वॉशरूम का आपको ऑप्शन उसमें नहीं मिलता है। वॉशरूम अलग से है जो मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप अपने किसी बच्चे के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर अबाउट द लगेज। लाइट्स वगैरह सब कुछ आप यहां देख सकते हो, चार्जिंग पॉइंट हो गया। और रात में अगर आप मुझसे पूछोगे, बिकॉज मैंने स्टे किया, तो यहां पर आपको उतनी ठंड नहीं लगती है एज पर द वेदर कंडीशंस। अब आप सोच रहे होगे शायद वाईफाई के बारे में, वाईफाई आपको टीपी में या हॉबिट होल्स में वाईफाई वगैरह नहीं मिलता। जो वहां पर मेन रिसेप्शन है, जहां पर मैंने आपको डिनर एरिया दिखाया था, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई आपको वहां मिलेगा, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट द स्पेस, ये देखिए मैंने अपने सूटकेस रख रखा है। स्पेस आप देख लीजिए टीपी में, आपको एक बार में बाहर आके अब आपको दिखाऊं बिल्कुल वाइड लेंस में। सो दिस इज माय टीपी, दैट इज टीपी नंबर 7। तो अब आ गए हम लेवल 3 पर, कैटेगरी नंबर 3 बताने, जो है हॉबिट होल्स। ये जो रूम कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा फेवरेट है और थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली दूसरे रूम कैटेगरी से। इसका जो कॉस्ट है वो है 2999 पर नाइट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मैं जिस हॉबिट होल में रुकी थी उसका नंबर है 7, जैसे कि हमने बताया। एंड लेट मी गिव यू द इंटीरियर टूर्स ऑफ इट। तो ये एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा डिजाइन इन्होंने किया हुआ है, जहां पर आपको आता है एक मिनी एवरेज क्वीन साइज बेड। यहाँ पर एक विंडो भी है, तो अगर आपको घुटन सी महसूस हो रही है तो आप डेफिनेटली उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। और अगर आप सामान के बारे में सोच रहे हो कि सामान और लगेज कहाँ जाएगा आपका, तो आधा सामान आपका बेड के नीचे जा सकता है और जो बचा कुचा सामान है वो बाजू में रखने का स्पेस दिया गया है। इस हॉबिट होल में, इनफैक्ट सारे हॉबिट होल्स में, 2 लाइट्स दी गई है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक छोटा सा हैंगिंग सेक्शन है जहाँ पर आप अपना स्लिंग बैग या जो भी छोटे से बैग्स या कपड़े अगर आपको हैंग करना है तो आप कर सकते हो। ओके, तो ये जो हॉबिट होल है वो ह्यूम पाइप से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर रात में ज़्यादा ठंड पड़ भी जाए तो आपको ज़्यादा ठंड की महसूस यहाँ पर नहीं होगी, और अंदर स्मोकिंग करना एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। अब हम जाके चेकआउट करेंगे वॉशरूम का जो सिस्टम है यहाँ पर किस तरीके का है, क्योंकि कोई भी रूम कैटेगरी में वॉशरूम्स अटैच नहीं है और कॉमन और शेयर वॉशरूम्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको भी और एक बात बता दूं कि अगर आप फीमेल ट्रैवलर है या सोलो ट्रैवलर है, तो ये जो रूम कैटेगरीज है, इनफैक्ट सारी रूम कैटेगरीज जो यहाँ पर एवेंचुरा में आपको मिलते हैं, वो काफ़ी सेफ है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स चेकआउट द वॉशरूम्स। अब बात करते हैं बाथरूम्स की। ये जो आप छोटा साइज देख रहे हो इसमें आपको सिर्फ वॉशरूम मिलेगा, उसमें बाथरूम भी है प्लस आपको शावर भी मिलेगा। आप ये देख लीजिए नीचे लेवल 2 पर आपको और भी मिलेंगे, इनकेस अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 4 ही है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। इन डिटेल में अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। ये देख लीजिए, ये पूरा इंटीरियर आपके सामने है इस वॉशरूम का। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वॉश बेसिन हो गया इस साइड, ये नहाने पीने का। यहाँ पर आपको मिरर दिया गया है, बिकॉज मिरर क्या है टीपीज में, हॉबिट हॉल्स में नहीं है, तो यहाँ पर मिरर आप यूज़ कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको यहाँ पर ये गीजर दिया गया है। बट जस्ट मेक श्योर अगर आप इस प्रॉपर्टी में आ रहे हो बिकॉज ऑफ द कोविड रूल्स, थोड़ा मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा वॉशरूम ज़रा ध्यान रखिए, थोड़ा जस्ट केयरफुली इनको यूज़ कीजिएगा। मेक श्योर यू आर यूजिंग हैंड सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह, आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे वगैरह सब साथ में कैरी कर रहे हो। ये देखिएगा, दिस इज लेवल 3 का अगर मैं आपको दिखाऊं ये, और लेवल 2 का आप देखोगे तो ये भी आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, और प्लस जहाँ पर टेंट्स हैं वो देखिए, वो जो वॉशरूम्स आप देख रहे हो वो टेंट्स के लिए हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, प्लस ये हो गया, इतने सारे वॉशरूम्स शावर्स वगैरह आपको सबका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑटोमेटिकली गेट बंद हो गया, प्रेजेंटेशन होती है यहाँ ख़त्म। हम मुंबई से और हमारे साथ एक कपल मिले हैं जो आए हैं मुंबई से। आपसे जानना चाहेंगे हॉबिट होल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
इट इज़ अ वेरी डिफरेंट, एकदम बहुत अलग यूनिक स्टे है. मतलब नॉर्मल होटल तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है. या द वॉशरूम्स आर आउटसाइड, बट इट्स ओके, मतलब इट्स वर्थ इट. यहाँ पे स्टे, द व्यू इज़ ब्यूटिफुल, और आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है क्योंकि यू हैव टू क्लाइंब अ लॉट. सो या, बट अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटिफुल. और कॉस्टिंग वाइज हम बात करें, वट एवर यू हैव पेड, आपके हिसाब से इज इट सेटिस्फैक्ट्री जो आपने दिया आपको मिला? इट इज़ अ लिटिल हाई बट वर्थ इट. मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत एक अलग अलग एज कम्पेयर टू नॉर्मल होटल, आपको एक अलग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है. इन शॉर्ट आपसे जानना चाहेंगे, आउट ऑफ 10 हॉबिट हॉल के लिए आपने स्टे किया, आई गेस हॉबिट हॉल नंबर 8 आई गेस आपने यूज किया, 9 यूज किया, तो आउट ऑफ 10 आप कितनी रेटिंग्स इसको देना चाहेंगे? 8 or 9 में रह रहे हैं तो 9 रेटिंग देंगे. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस. हां थैंक यू मंडल, तुमसा आभारी है. और जब आप ऐसी प्रॉपर्टी पर आ रहे हो, आपको इतनी ओपन स्पेस मिलती है, तो कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए भी चाहिए. तो यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल का दिया गया है, प्लस बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रैम्पलिन का ऑप्शन है. और आपको बता दूं, जो वो मैंने आपको दिखाया था ना कैफे वाला, वहाँ पर गेम्स भी रखे हैं, चेस हो गया, ऊनो हो गया, अगर आप वो सब एंजॉय करना चाहें. प्लस आपको यहाँ पार्किंग स्पेस भी प्रॉपरली दी गई है अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हो. और आपको यहाँ पर ATV राइड्स मिलेंगी प्लस साइकिलिंग, बट वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. यू कैन राइड साइकिल्स हियर, ऊटी में आप साइकिल्स वगैरह ड्राइव कर मतलब चला सकते हो. तो ये चीज़ भी है, बिकॉज आप इतनी यहाँ पर आप स्पेस देखिए कितनी ओपन है, आप नेचर के कितने करीब हैं, आपको बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है. सब डिटेल्स आपको बता दी, पीछे रिक्शा देख लीजिए. अब यहाँ से चेकआउट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ से जा रहे हैं हम पहले ऊटी स्टेशन. yes. फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम, फिलहाल थोड़ा वोड़ा ऐसा है. अब दो चीज़ आपको बता दूँ, ऊटी स्टेशन से ये वाली प्रॉपर्टी एवेंचुरा कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर है. रिक्शा लेगा 150 रुपीज, प्राइवेट कैब लेगी 250 या कुछ मैक्सिमम 300 रुपीज. ये सब डिटेल्स हमने आपको बता दी, कुछ और रह गया तो कमेंट करके बताइएगा. वंस अगेन एक्सपीरियंस मजा आ गया, इट वाज टू गुड. हां बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस था ये. सच में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा. अगर आप पीछे देखोगे यहां पर अब एक कॉर्पोरेट ग्रुप और आया है जो आज पूरी तरह से पार्टी करने वाले हैं. हमने सिर्फ एक चीज मिस की, वो थी बॉनफायर. चले अन्ना, आर यू रेडी? अन्ना रेडी, हम रेडी, आप रेडी? ओके, मजा आ गया. अब आप कहोगे टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऊटी, फिर कभी आएंगे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे. टाइम लिमिटेड है, आइटनरी वैसी है, कहीं और पहुंचना. Yes. That's all. So, और अगर आपको यहाँ बुकिंग करनी है तो एडवांस में बुकिंग करना चाहिए. yes. क्योंकि वीकेंड्स पे ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होता है. ठीक है, तो बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए. आसपास साफ सफाई, और अगर अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है प्लीज वैक्सीनेशन जरूर करवाइए. दिस इज डोलेश, दिस इज सोनिया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज. मजा आ गया, डेढ़ दिन आप कह लीजिए नेचर के बीच रहे, बिल्कुल फ्रेश एयर. आप देखिए माउंटेन्स ही माउंटेन्स, लाजवाब. अब तमिलनाडु से चले, अब कौन से स्टेट जा रहे हैं? अब चलो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, आने वाले व्लॉग में देखना. इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है बाहर का डाइनिंग एरिया, आप कह सकते हो. ये देखो पीछे आप देखोगे, दैट इज अब ये तो बिहाइंड द सीन हो गया. अरे भाई बैलेंस करो, एक्चुअली क्या है स्लीपरी है, कल रात को बारिश हुई है ना. क्या हुआ अग्रवाल जी, आपके कदम लड़खड़ा गए. अरे भाई ये ब्लॉगिंग क्या क्या करवाएगी. एक मिनट फिर से करेगा मैं, एक मिनट टेक टू. ऊटी की बात की जाए तो मेरा ख्याल है ऊटी जो है एक ऐसी जगह जिसे हम बचपन से जानते हैं, क्योंकि मैंने जब ऊटी का नाम फर्स्ट टाइम सुना था तो मैंने राज मूवी में सुना था. नहीं, मेरा हाल में ऊटी देख तो हम लोग सुनते ही रहते थे. जिस तरीके से मेरा मुझे ऐसा लग रहा है वो जो गाना ना माधुरी मैम का भी है, साजन मूवी का, उसका भी काफ़ी सारे सॉन्ग मतलब सुना है कि शूट होते थे ऊटी में, और अभी भी नो डाउट होता होगा. लेकिन ऊटी बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली इस जगह की मैं बात करूंगी कि एक जिस तरीके से इसको बनाया गया है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत खूबसूरत, और उसके अलावा जो आपको बीच में ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं. मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि बहुत ज़्यादा सफाई है वहाँ पर. हाँ. बहुत एक तरतीब से चीज़ें बनाई गई हैं यार वहाँ पे. जो एक उनका डिज़ाइनिंग करने का तरीका है ना, खासतौर पर मैं जो हॉबिट हॉल्स की बात करूँ, वहाँ पर जो एक जाने का रास्ता जो बनाया हुआ था मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगा. मुझे जो है ना ये देखकर एक मूवी थी, वो मूवी का नाम है जेंस निकल गया हॉलीवुड की, वो मैंने देखी थी. उसमें भी ना हॉबिट होम्स होते हैं, ठीक है ना, तो मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा मिलता जुलता लगा. लेकिन जो है ना
वाकई सफाई सुथराई की बात करें, बेशक वो क्या नाम लेते हैं जो हट्स बनाए हुए हैं या हॉबिट हॉल बनाए हुए हैं या टेंट्स हैं, तीनों की काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं और बाकी बाहर भी कोई आपको इस तरह का गंद देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, रिसेप्शन एरिया और कैफेटेरिया सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, अभी जैसे इस यहाँ पर हम लोगों ने टीपीज देखे हैं, इसी तरह से मतलब पाकिस्तान में भी मरी वाली साइड पर आपको लॉफ्ट मिल जाते हैं देखने को, लेकिन दे आर हाईली एक्सपेंसिव। ये तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर, कि अगर मैं करेंसी के लिहाज से भी देखूँ ना, कि अगर आपने डबल कर दिया अमाउंट तो भी, क्योंकि मैंने एक मिनट ऐसे मतलब मैं ना पूछती रहती हूँ कभी अगर ट्रैवल करना पड़े तो कहीं कहीं पर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं पूछती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा पर डे देवर चार्जिंग मोर, बताओ कितना हो सकता है, गेस करो। 8 से 14 हज़ार के बीच। 35,000 देवर चार्जिंग 35। लेकिन वो ये टीपी जो है ये तो बहुत छोटे हैं ना, वो थोड़ा सा स्पेस इससे ज़्यादा है कि मतलब वो खुला है काफ़ी, और 16% डिस्काउंट के साथ, नहीं सॉरी 35% डिस्काउंट के साथ वो 16,000 रुपये में दे रहे थे उस टाइम पर, जो कि मैं बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं थी। बट ये कि एक मुझे लगता है कि अगर आपका पर नाइट स्टे करने के जो चार्जेस है ना वो अच्छा आपको पैकेज मिलते हैं ना, तो आपको मज़ा आता है। इवन कि मुझे लगता है कि आप काफ़ी रिलैक्स होकर वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हो और आपके अंदर एक एनर्जी रहती है। हाँ, अदरवाइज आपको यही होता है कि भाई इतने पैसे हमारे लग रहे हैं सिर्फ एक रात के लिए, मुझे तो ये चीज़ें बहुत फील होती यार है। ये जो है ना वाकई एक फैक्ट है, आप जब कहीं घूमने फिरने जाते हैं ना वहाँ पर, अगर आपको आप नो डाउट इस चीज़ का सोचते हैं कि क्या नाम लेते हैं पैसे लग रहे हैं ये है वो है, लेकिन अगर जगह साफ सुथरी और कम्फर्टेबल ना ना हो तो आपका वो टूर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जो है ना वो अजीब तरह से फिर अपना सारा टूर करके आते हैं, बेशक बहुत ज़्यादा अच्छा भी ना हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप जो है ना वहाँ पे एक आराम सुकून से रह सके। बोल रहा हूँ आज तो चमत्कार हो गया, मतलब ये सिर्फ मुझे ही बात बोला करता था। मुझे इन्होंने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया। बट मेरे लिए किसी भी प्रॉपर्टी में स्टे करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो वहाँ का वॉशरूम होता है। मतलब अगर वॉशरूम अच्छा ना हो तो पता है, हालांकि मैंने वॉशरूम में स्टे नहीं करना रहना तो बेड में, लेकिन वॉशरूम जो है ना वो आपके टूर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे बहुत बेचैनी होती है अगर आप वॉशरूम जो है ना वो मेरी मर्जी के मुताबिक, इन द सेंस कि लाइक अच्छा होना चाहिए वॉशरूम, साफ सुथरा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई आप कहीं पे भी टूर करने जाए ना तो आपके पास जो है ना वॉशरूम में दोनों फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे इंडियन टॉयलेट भी होना चाहिए और कमोड भी होना चाहिए। क्योंकि अब मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो ठीक है घर में आपका कमोड जो है मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन जब मैं किसी पब्लिक प्लेस पर जाता हूँ या अगर टूर करने जाता हूँ वहाँ पे मैं जो है ना कमोड जो है वो प्रेफर नहीं करता। मेरी ज़्यादा यही होती है कि भाई आपको जो है ना इंडियन टॉयलेट स्टाइल जो है ना वही वहाँ पर मिले। पब्लिक प्लेस में तो नो डाउट मैं भी प्रेफर नहीं करती, इवन नॉट इन रेस्टोरेंट्स, बट अगर जैसे किसी होटल में स्टे करना है तो मैं इसलिए मतलब प्रेफर करती हूँ क्योंकि उस टाइम पर आप साफ सुथरा सब कुछ आपको मिल रहा होता है, सिर्फ आप खुद ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। बट अगर हम बात करें स्पेस की, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने महाराष्ट्र की एक वीडियो देखी थी और उसमें भी हम लोगों ने हॉबिट होल्स देखे थे जो के मतलब इस तरह के बने पॉड्स देखे थे, पॉड्स टाइप, हाँ तो इसी टाइप के ही थे वो पॉड्स हमने देखे थे जिसमें क्या नाम लेते हैं जाकर आप वक्ती तौर पर स्टे कर सकते हैं। हॉबिट हॉल की बात करूं तो उसका मुझे नहीं आइडिया, वो हॉबिट हॉल्स की तरह ही तो बने हुए थे कह सकते हैं, मतलब उसी तरह के बने हुए थे। वैसे अंदर से तो मैंने कभी इतने डिटेल में नहीं देखा, बट मुझे लगता है कि अगर पर्सनली मैं अगर तीनों लेवल में से किसी जगह पर रहना चाहूँ तो मुझे लगता है मैं टीपीज में रहूँगी, और मौसम का मुझे नहीं पता। अगर मैं भी बात करूँ तो नो डाउट टीपीज ही जो है वो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। टीपीज में रखवाऊंगी, मतलब ये इस बंदे के साथ सोना तो मतलब इट्स लाइक रेंट भी आप ही देंगे, मैं क्यों भाई पे करूंगी, मैं तो भाई ये एक में एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट। फिर ऐसा करते हैं करेंगे वो हॉबिट हो ले लें, आप वाले पोर्शन में जाना मैं नीचे वाले पोर्शन में होगा। प्रॉब्लम ये है तुम्हारे खराटे ही नहीं सोने देते, वो नीचे वाले पोर्शन से भी आना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए मौसम उसका उसका एक बेहतरीन हल है, नहीं उसके उसका बेहतरीन हल है वो कान बंद करने वाला होता है ना, आप वो ले लेना ताकि आपके मेरी बात ना। मैं अकेले उस रूम में अपने आप के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आप फिर छत पे गुजार लेना, छत पे टाइम गुजार लेना, उसकी छत है ही नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ वो जैसे जैसे साइड पर बना ना मैं ऐसे करके सोचा।
वायरल हो जाएंगी। और बाकी जो एक्टिविटीज हैं, मुझे ऐसी जगह पर साइकिलिंग करने का बहुत मजा आए, और मैं अभी पता नहीं क्यों आकर मेरा बड़ा दिल भी करता है। और मुझे सीरियसली मैं इस बात में बोलना चाहूंगी, मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है एक लिहाज से, कि वहां पर ना एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है एक चीज के बारे में, कि जब आप बाहर जाओगे ना तो आपका जो मन कर रहा है आप उस लिहाज से करो, कोई नहीं देखता, कोई कुछ नहीं कहता, कोई वो वाला प्रेशर नहीं आपको फील करना पड़ता। अच्छा। लेकिन यहाँ पर अगर होता ना, अभी देखो जैसे मैं अभी उठकर साइकिल चला रहे बाहर चली जाऊंगी साइकिल चलाकर, तो हालांकि बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं यहाँ पर। मैंने अब देखा है कि एक बड़ा ट्रेंड सेट हो रहा है कि लड़के लड़कियां जो है वो साइकिलिंग करना शुरू हो गए, बट अगेन क्योंकि मेजोरिटी का अभी माइंड उतना चेंज नहीं हुआ, तो अगर आप इस तरह से बाहर निकलो ना साइकिलिंग करने के लिए, तो सब आपको देखेंगे भाई ये क्या है, ये क्या है। मैं तो अक्सर नहीं कहता, आपको बाइक सिखा देता हूँ, और जब आप बाइक सीख लेंगी तो फिर मेरी वाली बाइक पे आप जरा बैठ के जाना करना। बचपन में मैंने बहुत ज्यादा साइकिलिंग की है, और लाइक फिफ्थ सिक्स ग्रेड तक तो मैंने किया, तो मुझे बहुत मजा आता था, और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मजा आया एक नई जगह देखने का, और उसके साथ साथ जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा था, एक यू नो एक ठंड वाली जो वाइब होती है वो हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग ने महसूस की कि वाकई में मौसम जिस तरह का आप इंजॉय कर सकते हैं। आप में से कौन कौन ऊटी गया है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या आप को कन्वीनियंट लगता है कि लाइक अगर वॉशरूम अलग से हो, क्योंकि भाई रात के टाइम तो मुझे तो बहुत डर लगेगा अकेले बंदी को कि मैं वॉशरूम में जाऊं और पीछे से वो अगर वासे आए, वो जो अक्सर रोनी फिल्में हाँ, देखते हैं ना, ईमान नहीं वो वादा थी ना अक्सर जानवरों के पीछे से, तो मैं रहने तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, इसी नहीं बुरा मान जाना, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा डर लगेगा, तो इसलिए मुझे इस लिहाज से थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता। आप लोग जरूर बताइए कि जिन लोगों को एडवेंचर बड़ा पसंद है तो वो इस तरह के एडवेंचर भी जैसे मौसम कह रहा है वो इंजॉय कर लेंगे। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और इसी के साथ हम इजाजत। गुड बाय।